क्या बताएगा मेरी मम्मी को तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 9:01 और भाई अब तक तुम्हारे भाई की टाइमिंग इतनी अच्छी हो चुकी है ना, भगवान की दुआ से अब मैं 7:30-8 बजे उठ जाता हूँ, ठीक, और 9 बजे जिम पहुँच जाता हूँ। बट आज मैं थोड़ा लेट इसलिए होगा क्योंकि मुझे कनव को स्कूल छोड़ने गया था और उसके बाद अपने आधे भाई भी लेट आए हैं, थोड़ा सा वो भी कहीं जा रहे हैं और अंशुल भाई भी लेट, तो इसलिए मैंने कहा आराम से आऊँगा। बाकी इसको खड़े कर दूंगा यहीं और इस इंडेवर को लेकर चलेंगे आज, क्योंकि अपने चेयरमैन साहब ले गए थे इंडेवर और वो आए थे रात को 1 बजे। तो अपने जो विशाल भाई हैं इन्होंने गाड़ी वाड़ी धो के और खड़ी कर दी। मैंने कहा स्कॉर्पियो को भी धो दो क्योंकि तुम्हें पता ही है भाई, स्कॉर्पियो से मुझे एक अलग सा ही प्यार है। तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है मुझे नहीं पता, बट स्कॉर्पियो से देखो है जी प्यार, तो स्कॉर्पियो से ही है। तो मैंने कहा इसको भी धो दो। बाकी ये अपनी वॉश हो चुकी है और पॉलिश नहीं लगी टायर पे, बस टायर पॉलिश और लग गया। उसके बाद चलेंगे जिम। आज है अपनी बैक का वर्कआउट और वर्कआउट तुम्हें बताइए हैवी चल रहा है, बढ़िया। बाकी वर्कआउट थोड़ा बहुत दिखा दूंगा मैं। अगर किसी को अपने फार्म हाउस में बुकिंग वगैरह करवानी हो तो भाई ये अपना फार्म हाउस है और यहाँ पे आपको बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी वगैरह कुछ भी A to Z, अपनी फेयरवेल वगैरह कुछ भी करना हो, कॉलेज पार्टी और शादी वादी तुम्हें पता ही है वो तो होती है भाई, कुछ भी करना हो तो आप यहाँ पे विजिट करो, हमारे मैनेजर से बात करो और अच्छी डील पाओ एक बढ़िया शानदार लोकेशन के साथ। बाकी ये लोकेशन है, अगर आप चाहो तो हम आपके लिए यहाँ पे काली गाड़ी खड़ी कर सकते हैं सारी, जैसे कि तुम्हें पता ही तुम्हारे भाई को काली गाड़ियों का शौक़ है, तो अगर आप चाहो तो आपके फंक्शन में भी हम आपको काली गाड़ियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप लोकेशन लेके अपनी पार्टी एंजॉय करो, यहाँ कोई वो नहीं चल रहा कि हाँ गाड़ी भी देंगे, चुपचाप अगर करनी हो तो लोकेशन पा जाना टाइम समय निकाल के, ठीक है जी। भाई भाई अभी अपनी गाड़ी पॉलिश लग रही है, एक बार पॉलिश वॉलिश लगने दो क्योंकि टायर पॉलिश लग के ही गाड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए एक बार पॉलिश वॉलिश लग जाए। गाइस मैं बहुत बार पूछता हूँ कि कौन सी गाड़ी अच्छी लग रही है, सही बता दो एक बार, ये यही ऑब्वियसली इसका हुड नहीं है भाई, इसमें उसकी टक्कर की गाड़ी आज तक बनी ही नहीं है भगवान का सब है। चलो चल खोल दो, अरे ले चल, अरे तुझा भाई लिया अपने छोटे चेयरमैन साहब को, क्या चाहिए बता, वो चाहिए वो क्या, हां जो आके छाड़ दे, बच्चों का है वो, तो बच्चों का है पर तू तो बड़ा हो गया है ना, चाहिए पक्का दे देना भैया, क्या चाहिए इसको, मुझे एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन गैल पायलट बन जाएगा यू, इसे एरोप्लेन दिलाओ पहले भाई, तुमने सही ड्यूटी लगा रखी है, बहुत चालू हो रहे हो तुम, पायलट बनेगा कितना उपयोग भाई, अभी से बैठ के पायलट बन जाए तो ठीक है, बैठ जा इसमें बैठ जा, और सुन अब तुझे व्लॉग में लेना बंद करूंगा मैं, ठीक है, फिर भी मांगेगा क्यों, नहीं अब तुझे अच्छे खिलौने ये सुन तो सही, अब तुझे व्लॉग में लेना इसलिए बंद करूंगा क्योंकि ना तेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी मुझसे, लोग तुझे क्यूट बोलते हैं, क्या तू क्यूट है, ना। नहीं है ना कैसे, देखो मैं पहले कह रहा हूँ ये क्यूट नहीं है, तुम्हारा भाई क्यूट है, तुम अपने भाई को प्यार करो ऐसी है, हाँ भाई को कोई मतलब है नहीं है, भाई को तो एरोप्लेन मिल गया, भाई पायलट भाई तो बस पायलट बनने के चक्कर में है, अब इसे उड़ाएगा घर जाके है, इसको पता कहाँ दे के आएंगे, मिराया को, मिराया को देंगे बेटा, मिराया कह रही थी कि जो कनव के लिए बोला होगा ना आप एरोप्लेन वो आप मुझे दे देना, अब इसको पीछे रख दो चुपचाप, या तो सम्राट को देंगे या फिर मिराया को देंगे, ये तो हवा में भी उड़ जाएगा, हाँ तो तभी तो दूंगा,
इसमें मिराया छोटी है और सम्राट भी छोटा है, तो तू बड़ा हो गया है, अब तुझे देंगे नहीं, तू बैठ सकता नहीं है इसमें। बैठ लूंगा। ऐसे कैसे बैठ लेगा, नहीं बैठ पाएगा भाई, तू बड़ा हो गया है ना, अब तू छोटी चीजों मत खेला कर, अब तू बड़ी चीजों से खेला कर। अब तेरे लिए गाड़ी लेके आऊंगा मैं, गाड़ी पहले 5 साल का, 5 साल का, अब कितने साल का हो गया तू? ये गाइस अपनी एज छुपाता है ये, इसके इसके अंदर लड़कियों की आदत आ चुकी है, जैसे लड़की अपनी एज कम बताती है ना ऐसे ये ऐसे का ये भी अपनी एज कम बता लगा ऐसे ना। तू पता कितने साल का हो गया? 10 साल का तो हो गया है ना, अब 2 साल और हो जाएगा ना, फिर तेरी शादी करवा दूंगा। निकलवाना शादी वादी, देख लो ये इसका सबसे अच्छी बात गई है। शादी वादी दूर है भैया, अपने मोह माया से दूर रहो, अपने पैसा कमाओ, पैसा कमाएगा तो बड़ा होके अभी से पैसा कमा लग दो, तेरी जॉब लगवा दूं। जॉब क्या होती है? वो जॉब लगवा देता हूँ तेरी, जो वो होता है समुन्दर, समुन्दर के किनारे तुझे वाइपर मारना। जिम, जिम होती है जॉब? जिम नहीं, जॉब मतलब काम करना। काम नहीं करेगा तू? चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बाकी गाइस इसको एक बार घर छोड़ दूं, और घर छोड़ने के बाद फिर अपने डाइट वाइट लेने चलते हैं। एक तो इसका और घर जाके मैं चाचू की मम्मी को बताऊंगा। क्या बताएगा मेरी मम्मी को? तू बताया करता है चाचू जो गाड़ी में क्या करता है, परेशान करता है चाचू। बेटा चाचू ज्यादा प्यार तो उससे कोई नहीं करता, ये बात तो मोने है ना, मोने मोने है ना, मोने दादू की गाड़ी है, तू आया इसको ले ले। अरे यार वो मेरी गाड़ी वो ले गया ना, तुम्हारे पापा ले गए। हाँ, पापा आपके जिम गए ना, तो इसलिए पापा, वो क्या होता है? पापा होते हैं फादर, फादर 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 होता है कनम। है वे तुझमें तमीज है या नहीं है? तूने मुझसे आके नमस्ते करी? नमस्ते, 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 नमस्ते तेरे से नमस्ते नहीं करेगा तू मुझसे? भैया मैंने ना मेरी इज्जत ही नहीं है भाई, मेरी इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब कल से ना जब भी मैं तुझे मिला करूंगा तो मेरे पैर छुएगा, ठीक है? नमस्ते कर लेगा चुपचाप आके, ठीक है? चलो भाई से मैं एक बार घर छोड़ दूं और फिर चलते हैं डाइट खाने के लिए। गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, बाकी भाई मैंने कहा था ना गर्मी आने वाली है और भाई टी शर्ट वगैरह पहननी है, तो भाई बॉडी बॉडी बना लो, जो नहीं समझे वो तो भाई गलत बात है, जो समझ गए वो बढ़िया बेहतर देंगे। भाई गाइस वेजिटेबल जूस बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, और क्योंकि भाई तुम्हें पता है वेजिटेबल जूस बहुत हेल्प करता है बहुत, और जिनको नहीं पता एक बार वेजिटेबल जूस के बारे में पढ़ लेना उसके बाद, पर इसको पीना जरूर, ये अपने हेल्थ के लिए और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये नहीं पीता भाई वेजिटेबल जूस, पिएगा भाई? नहीं ये नहीं देखा, यही तो बात है भाई, तुम नहीं समझ पाओ। चलो अयो तुम्हें चिकन चाउमिन खानी है? क्या खानी है? चिकन चाउमिन बताओ यार, हद हो गई, चिकन चाउमिन चाउमिन बताओ, मैदा खा रहा है सब ऐसे, जो यही यही हमारा यूथ बेकार हो जाए, यही यूथ बेकार। अबे चिकन नॉर्मल खा ले, बॉईल खा ले चिकन, ओफो चिकन चाउमीन, चिकन चाउमीन वाला आज कह रहा नया खाऊंगा कुछ भाई, यही तो तुम बेकार हो पड़े हो, अंदर से तुम बर्बाद हो चुके हो वैसे भाई। अबे तो किसकी थूत पेट नहीं, थूत का पेट नहीं है तुम्हारा, लीवर खराब, लीवर का मेरा की लीवर खराब होता, तुम्हारी किडनी खराब, क्यों होती किडनी खराब, सब बढ़िया काम कर रहा हूं भैया। देख तू कभी चेकअप करवा ले अपनी बॉडी का एक बार भाई, अभी करवाया था, हो गया मुश्किल से, एक दो महीने सब फिट आया था, अच्छी डाइट रही, देखो स्किन कितनी हेल्दी लग रही है मेरी, देखिए यहां देखिए क्या, अब लाइट जला, हमें लाइट की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अभी हम आए हैं वोडाफोन की टीआरपी बुझाने, बुझाने करो टीआरपी गिराने, हमें एयरटेल वालों ने बुलाया खास प्रमोशन के लिए, और प्रमोशन दे रहा है हमें, कितने का कैप दे रहा है? 11 लाख 700 रुपया दे रहा है, 1100 वो दे रहा है, सारे सही बता कर रहे 11 लाख। बाकी भाई हमारी ना वोडाफोन की सिम, 350 वोडाफोन की सिम है, तो हम उसे उसमें करवा रहे हैं, एयरटेल वालों ने फ्री पोस्टपेड सिम कर दी, कितना भी उसका सारे फ्री लगा रही, पैसा हमारा बकाया भाई फिर ही नहीं है यार। देखिए मेरी गल क्या हो रहा, देख आँख देख मेरी छोटी बड़ी बड़ी छोटी है, बाकी गाइस अभी हम अपनी सिम पोर्ट करवा ले भाई, वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आते कहीं भी, जो वोडाफोन की सिम चला रहे हो मत चला नंबर, हाँ मैं चाहता हूँ इस भाई के पास नंबर आया हमारा, जो भाई बैठे पीछे भाई के पास नंबर आ, बढ़िया रहेगा, गंदा है गाइस सॉरी गाइस अगर मेरा कोई ब्लॉग देख रहे हो पीछे।
बाद में ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस अभी हमने ले लिया है एक और सिम, और भाई ये वाली सिम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा नंबर ना बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। बता एक बात, जहाँ भी हम जाते हैं दोस्ती बना के तो आते हैं। किसे दोस्ती बनाने मतलब खुशी तो हाँ खुश तो है यार भैया, हमसे ना लोग खुश। ओ शिट, हम दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ दिल का, इसकी मुझे पता नहीं है। इसने, मैंने सदा ही दिल जोड़े हैं, इसने सदा ही दिल तोड़े हैं। ये है मैं दिल जोड़ ही तो रहे थे भैया, मैं अपना दिल थोड़ी जोड़ूंगा। तुम एटलीस्ट अपना दिल ही तो जोड़ रहे थे। मैं कनेक्शन बना रहा हूँ एयरटेल की सिम में। नहीं हमारे लिए ताकि दिल तो मारूंगा नहीं यार, ऐसे नहीं। एयरटेल की सिम हमने इसलिए लिया ताकि हम कनेक्शन बना पाए, समझा। अब भाई बात यह है, मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरा नंबर बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। आज के बाद किसी के पास मेरा नंबर नहीं मिलेगा। चुके हैं अपने एक और काम के लिए, और हम आए हैं भाई गार्डन गैलेरिया, जो कि माना जाता है क्लब और क्लबिंग के लिए। तो माना जाता है भाई। गाइस अपने आसिफ भाई रात के 12 बजे के बाद आते हैं यहाँ पे, और सुबह 4 बजे तक यहीं रुकते हैं क्योंकि आसिफ भाई को क्लबिंग का बहुत शौक है। और आसिफ भाई क्लबिंग जब करते हैं, जब पी लेते हैं, और पीते जब है जब ये अय्याशी करते हैं। अय्याशी जब करता है, चलो बाद में बताऊंगा। जो जो काम सोचे थे वो हमारे सारे काम हो गए। पहले हमारा काम था क्या कहते हैं, हमें सिम चेंज करवानी थी। एक के साथ मीटिंग, पहले एक मीटिंग थी। मीटिंग भाई उधर सा खाना खाने कर रहा था, हमने इसलिए मीटिंग शॉर्ट करा दे क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को बैठना ज्यादा देर पसंद नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, फिर हमारा था सिम वाला काम, हमने सिम भी ले ली। तीसरा हमारा था ये, इसका भाई आसिफ ने ये जो है डाटा केबल है ये डाली थी नवम्बर में, क्या चल रहा दिसंबर जनवरी फरवरी चल रही है, 3 महीने हो गए भाई। तो हम डाटा केबल यहाँ छोड़ के भूल गए थे, बाकी अभी डाटा केबल लिया, अभी इसकी ओपनिंग कर दिया हमने। इसकी ओपनिंग कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, जो भी कह रहे हैं सुन समझ लो तुम, ठीक है। अब इस चार्ज कर दिखा दो भाई, अब देखो दिन बची थी वारंटी, तुम्हें तो पता नहीं होगा भैया कैसा आईफोन चार्ज हो गया, ऐसा होगा दिखा दो भाई, करके दिखा देंगे। तो ये तो पता नहीं आईफोन है मोदी जी ने उछला रखा स्वच्छ भारत अभियान चला रहा। गाइस ऐसे बाहर पे प्लीज आप भी ना फेंके, बाकी ये तो मेरा दोस्त है, मैं इससे कुछ कह नहीं सकता, पर आपसे तो कह सकता हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। ये मेरा दोस्त है, दोस्तों है ये मेरा भाई सही है भाई। अब चार्ज दिखा पहले, सही मत कर, फंस गया। लो वो देख लो भाई, टपक ओ बाबा हो गया भाई। तुमने तो फोन चार्ज होता हुआ देखा नहीं होगा, हम तुम्हें दिखा रहे हैं यार, इंग्लिश निकालो पैसा देने कहीं से भी निकाल लो। स्टाफ है था ना, कोई स्टाफ गरीब के पैसा ना मारते भैया, हम मारेंगे 10-12। भाई गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट, देखो जैसा ये हो गया भाई, पहले मैं इनसे बातचीत कर लूं। अरे रुक भाई, एक मिनट यार, 10-20 मिनट के 70-50 रुपए तो हुए भाई, 70 रुपए तुमने दिन पर दिन बढ़ा रहे हो पैसा। नंबर दिखाना, कौन सा दिखा रहे हो इसमें, 0005 किसका है नंबर हमारा, हमारे पास 0005 नंबर नहीं है भाई, हमारा तो 25-75 नंबर है वरना का। हम तो बहुत गरीब आदमी है भाई, यार हमसे पैसा मत काटे करो यार, प्लीज यार, प्लीज यार। 70 रुपया हमारी मम्मी हमें गाल देगी, 70 रुपया कहाँ भूख का है, तू आराम जा रहे चलो चलो चलो। देखो भैया आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि भैया क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, किसी भी टोल टैक्स में अगर आप जाते हो तो हाउ वाजी में टोल टैक्स मत तोड़ो, पैसे जरूर दो, पैसे दो भाई, क्योंकि आज के डेट में शीशा टूट जा, आज की शीशे की बात नहीं है, आज के डेट में हर कोई इंसान पैसे कमाने के लिए बेटा भाई। अब ये अब आज तुम किसी के 80 रुपए छीन रहे हो, कल का कोई तुम्हारे 80,000 रुपए छीनेगा, ये गारंटी की बात है। 1 रुपए और भाई तुम कितने भी दिक्कत कर लो, कितने भी परेशानी कर लो, कितना ये भी कुछ भी कर लो किसी के लिए, सब कुछ यहीं भुगत के जाना भाई। देख लो क्या देख रहा, देखो इसलिए मैं इसके साथ नहीं आता। एयरटेल स्टोर के बारे में कुछ बता, एयरटेल स्टोर पे भाई बताता हूँ क्या हुआ। एयरटेल स्टोर पे हम अंदर गए, हमने अपने सिम लिया, हम बाहर जिसे बोलते हैं दबा के फ्लटिंग, भाई बटरिंग, मैं कह रहा हूँ ब्लॉग, तुम्हें लगता तुम तक पहुँच जाना ब्लॉग तक, कमेंट में बताना तुम्हें लगता मैं ऐसे काम करूंगा, बिल्कुल नहीं लगता भैया, मेरा ऐसा कोई काम ही नहीं है, ऐसी बात भी देखा ही नहीं हुआ। तुम्हें बताऊं, अब तुम्हारा भाई ने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी जी। तुम्हारे भाई को यही नहीं पता लड़की क्या होती है, लड़की क्या होती, खेली करता भाई, ओनली नो वुमेन, क्योंकि भैया मेरा इंग्लिश बहुत तेज है, हिंदी में थोड़ा हाथ कमजोर है मेरा। अभी एक इंग्लिश मेल मिल तो गया था मीटिंग में, कहाँ मिला, कौन मिला, मीटिंग में भाईजान मिले थे ना,
अच्छा जो वहाँ भी रहते हो भाई। बाकी भाई देखो एक बात बता दूँ आपको, अगर कोई हमारे चल हम तो आप बहुत सीधे आदमी हैं तो हम तो खैर मीटिंग वीटिंग में चले जावे हैं, पर अगर जिस पर्पज से आप किसी को बुलाते हो ना वो पर्पज ना हो उस मीटिंग का, तो उठते को रैपिड भी मार दे इतनी देर में, ऐसे याद है? क्योंकि हमसे जिस पर्पज से मीटिंग में बुलाया गया था वो पर्पज नहीं था उसका, गलत बात है भाई, बहुत गलत बात। क्या छोड़ने अपना आदमी ने तो कहता था बहुत कुछ। आसिफ भाई ने कह दिया अब तू चुप बैठ, अब हम बोलेंगे। आसिफ भाई ने एकदम कहा तू चुप बैठ, अब हम बोलेंगे। मैं बहुत देर बोल लिया तूने। अच्छा लोग कह रहा भाई आप इन्फ्लुएंसर हो यार, मैंने खरीद के कमाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, प्यार मोहब्बत चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं गाइस। बाकी गाइस मैंने कल 22 मिनट का बनाव डाला था, सोलत चाहिए, सोलत सोलत सौरत को सोलत वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो गाइस क्या कहते हैं, बाकी मैंने 22 मिनट का उड़ाया था व्लॉग, और जिसने नहीं देखा हो वो देख लेना। बाकी बहुत से लोगों को पसंद आया था मेरा 10 out of 1 चल रहा था, सुन लिया 10 out of 1 चल रहा था। इसका मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं बड़े बड़े व्लॉग बनाऊं, तो अब मैं समझ चुका हूँ बड़े बड़े व्लॉग ही आएंगे भाई, आगे जाके एक घंटा का व्लॉग गिरेगा है ना, एक घंटा पूरे दिन फिल्म बनाई मूवी बनेगी, अब पूरे दिन फिल्म ही बनाई। चलो गाइस अभी हम चलते हैं घर और डाइट वाइट लेके थोड़ा रेस्ट करते हैं। फाइनली वी आर एट फार्म हाउस, जैसे कि मैंने सुबह भी फार्म हाउस से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और शाम को भी फार्म हाउस पे। बाकी गाइस अभी हम वॉक कर रहे हैं और अपने 2 बजे अपने साथ हैं। तो पेपर वगैरह तुम्हारा पेपर होगा भाई? पेपर कैसे गया भाई तुम्हारा? कुछ बताने वाला एकदम, क्या बता रहा था? नहीं बता, पेपर तो मेरा बढ़िया गया है। किसका था? इंग्लिश का था। हाँ पेपर की ना पता। बाकी गाइज जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भाई अपने विकास दुबे को ऑल द बेस्ट कह देना एग्जाम में, तो भाई जिस जिसने ऑल द बेस्ट कहा उनको थैंक यू, ऑल द बेस्ट कह के मैं फेल हो गया था। थैंक यू कह दिया पहले जिसने कहा है, थैंक यू। बाकी गाइज देखो मैं छोटी सी चीज़ शेयर करता हूँ आप लोगों से, जब हमारा मतलब स्ट्रगल का टाइम होता है तो हमारे साथ ना कोई भी नहीं जुड़ता। जैसे कि मेरा मतलब स्ट्रगल पीरियड चल रहा है अभी, तो ये भी मेरे साथ नहीं है अभी। देखो मुझसे कितने दूर दूर चल रहा है, ठीक है? तो वही चीज़ है गाइज, मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ अपने स्ट्रगल टाइम में और अपने मेहनत के टाइम में आप खुद देखना, जब आपके साथ कोई नहीं रहता तो आप इतना डीमोटिवेट हो जाते हो, इतना डीमोटिवेट हो जाते हो कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। कुछ मत करो भैया, खुद मेहनत करो, ठीक है? एट लास्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने लिए, और अगर कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा तो भैया किसी पर निर्भर मत हो। कुल मिला के बात यह है, क्या बोलते हैं, बोलना चाह रहे हैं कि जब तुम्हारे स्ट्रगल का टाइम होता है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, बिल्कुल ठीक। और जब तुम ग्रो कर जाते हो, तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो अच्छे लेवल पे, तो सब तुम्हारे साथ फिर ऐसा आता है। हाँ, कांग्रेचुलेशन करने ऐसे आता है जैसे तुम के कितने खास हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बाकी गाइस इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई, स्ट्रगल के टाइम में कोई नहीं है, तो मैं तो अब यही बोलूंगा कि भैया अपने जो सक्सेस वाला टाइम होता है उसमें भी किसी को अपने साथ मत लेके आओ भाई, मेरा तो मानना यही है भाई। देखो बाकी जैसा आपका मन करा आप ऐसा करो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया। बाकी गाइस अपने चेयरमैन साहब वगैरह सब यहाँ बैठे हैं और अभी हम चल रहे हैं घर। अगर तुम बता अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाना, मतलब आपको कह रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं कह रहा हूँ अगर तुम कोयले होके भी आज अकेले हो तो कल को हीरा बन के किसी का मत होना। देख रहे हो ये साला जो डबल डबल बातें करता है मुझसे, मुझे देख लो मैंने नहीं बोला कभी, तुम बाद में वो कोई मुझसे मिल जाए और बाद में बोले क्या बात कर रहा था बता भाई, तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सब तेरे रोल। वो ऑडियंस नहीं समझेगी, वो आप समझा ना, मैं क्यों समझू भैया, मैं समझा कुछ भी, मैं तो नहीं ना समझू, ठीक है भाई? तो मैंने तो पॉजिटिव वे में बोला है ना, मैंने तो वैसे कुछ बोला ही नहीं। हाँ मैंने तेरा पॉजिटिव चाहिए ही ना, तू दूर रह, ये गाइड मुझे बिगाड़ रहा है भाई। फाइनली एट होम। बाकी देखो भाई आपको ही पता है कि आजकल मैं ना सारी कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ भाई टाइम है तो मैं कर देता हूँ। तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, तो आप अपना एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करा करो कमेंट्स में, ठीक है? बाकी एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। भैया देखो स्किन केयर सिंपल सा है, कुछ भी करो कैसे भी करो, पर जब रात को सोते हो तो मुंह धो के सोया करो, बस इस चीज़ को एक मेरे कहने से इस चीज़ को लागू कर लो। दिन में कहीं भी हार रहे हो कुछ भी कर रहे हो, बस घर आके रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले मुंह धो के सोया करो, बस इतना करो एक हफ्ते तक, उसके बाद बताऊंगा आगे की कहानी, ठीक है? तो गाइज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो, प्यार सपोर्ट बनाए रखो, 100K सून है।